नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ब्यूटीफुल में। आज मैं आपके साथ कटहल की सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने आधा किलो कटहल लिया है और यहाँ पे आलू है जिसे मैंने काट कर धो लिया है और यहाँ पे मैंने मसाला तैयार करके रखा हुआ है जिसके लिए मैंने यहाँ पे प्याज लिया है, ये लहसुन, अदरक, तेज पत्ता, ये प्याज है जिसे मैं छौंकूंगी, ये सरसों का तेल, जीरा, मरीच, काली वाली मरीच और ये लौंग, ये थोड़ा सा गरम मसाला है और हींग, धनिया पाउडर, हरा मिर्च, ये लहसुन और अदरक का कूचा हुआ है। तो आइए इसे बनाते हैं। देखिए मैंने अपने कढ़ाई को बैठा लिया है और ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल को ऐड करूँगी। कटहल का सब्जी सरसों के तेल में बहुत स्वादिष्ट बनता है, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप हमेशा जब भी कटहल का सब्जी बनाएं तो उसके लिए सरसों का तेल ही यूज करें। अब मेरा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटहल को डाल दूंगी। यहाँ देखिए मैंने सारे कटहल को इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने कटहल ही में आलू को ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर दूंगी और इसे चला लूंगी। मैं इसे ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। तो यहाँ देखिए जब तक मेरे कटहल फ्राई हो रहे हैं मैं इसमें मसाला को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है। अब यहाँ ये लहसुन की कलियाँ, यहाँ पे जीरा और काली मिर्च और 2 लौंग और थोड़ी गरम मसाले हैं उसे भी ऐड कर लूँगी और साथ ही साथ ये अदरक है और यहाँ पे मैं 1 तेज पत्ता कोई भी इसमें ऐड कर लूँगी। अब मैं इसका महीन सा पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, इसे ढकते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देख रही हूँ मेरे आलू और कटहल दोनों फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे कटहल मेरे पूरे अच्छी तरह से गले नहीं है, मैं इसका इसको प्रेशर कुकर में डालूँगी। तो चलती हूँ इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने अपने कटहल को निकाल लिया है। ये कटहल में का बचा हुआ ऑयल है। अब मैं इसमें जीरा को ऐड करूँगी। देखिए मेरे पूरे तेल गर्म हो चुके हैं, मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी और हींग, तेज पत्ता, तो इसे थोड़ा सा क्रैक होने देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे जो जीरे हैं वो क्रैक हो चुके हैं। मैं इसमें प्याज जो कट करके रखी हुई थी उसे ऐड कर देती हूँ। अब मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। यहाँ देखिए प्याज मेरे हद तक भून चुके हैं। अब मैं साथ ही साथ यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो बनाई हुई थी उसे ऐड करूँगी और यहाँ हरी मिर्च को। अब इसे मैं 2 मिनट तक फ्राई करती हूँ। और यहाँ देखिए मेरे जो प्याज है वो पूरे ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला को ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं 1 चम्मच मिर्च पाउडर ली हूँ, यहाँ धनिया पाउडर ली हूँ और यहाँ हल्दी, और साथ ही साथ मैंने जो मसाला बनाया हुआ था उसे भी इसी में ऐड कर देती हूँ। यहाँ देखिए मैंने सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। मैं यहाँ पे ये पाउडर मसाला आता है ना जो पैकेट वाला, वही वाला ऐड कर रही हूँ, 1.5 चम्मच है। अब मसाला में से जब ऑयल छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं इसे दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे साइड से मसाले में ऑयल छोड़ने स्टार्ट हो गए हैं। अब मुझे इसे भूनते हुए 5 से
छः मिनट हो भी गए हैं और ये मसाले में से खुशबू आने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि चिकन बन रहा है। तो आप इसी प्रकार से एक बार कटहल और आलू का सब्जी बना के देखिएगा और मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा कि कैसा आपने को लगा बनाने के बाद। तो आइए मैं इसमें अब आलू और कटहल को जो फ्राई की हुई थी उसे ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने कटहल और आलू को पानी हल्का सा डालकर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसके ढक्कन को लगा दूंगी और 2 से 3 सीटी आने तक इसका वेट करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अपने कुकर को खोल लिया है, इसमें से प्रेशर कुकर निकलने दिया था और इसमें धनिया के पत्ते को ऐड कर दिया है और मेरी जो कटहल है पूरी अच्छी तरह से गल चुकी है, आलू भी गल चुकी है। तो मैं इसे एक बाउल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने कटहल और आलू की सब्जी को निकाल लिया है। तो बताइए ये कैसा लगा आपको बनाने में, और ये देखने में एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा और खाने में भी बहुत स्वाद है। तो आप इसको रोटी के साथ या पूरी या चावल के साथ या किसी और भी चीज़ के साथ बहुत आराम से खा सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दे दीजिएगा।